तो दोस्तों आप सभी को स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर बारे, चैप्टर नंबर 8, जो कि स्टैंडर्ड 11 का ज्योग्राफी का गुजरात बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो जो वातावरण, वातावरण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम वातावरण के बारे में बात करते हैं। तो जो वातावरण होता है वो एटमॉस्फेयर होता है। क्या होता है? एटमॉस्फेयर मतलब होता है वातावरण, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले एटमॉस्फेयर के बारे में। वातावरण के बिना पृथ्वी पर जीवन सृष्टि का अस्तित्व असंभव है। क्या है? यदि वातावरण इस धरती पर नहीं होगा तो जो पृथ्वी पर जीवन सृष्टि है उसका क्या है? असंभव है, यदि उसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें निहित ऑक्सीजन क्या है? हमने इसमें देखा निहित ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन वायु के जीवित रखता है। यदि बात किया जाए तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बादल, कोहरा, वर्षा, हिम, वाष्प आदि वातावरण में मौजूद पानी से स्वरूप होता है, पानी के स्वरूप है। बादल आप लोग जानते हो, कोहरा मीन्स फॉग होता है, वर्षा मीन्स रेन होता है, हिम मीन्स होता है आइस, वाष्प मतलब होता है इवेपोरेशन। इस तरह की सारी चीजें वेपर, वाष्पीकरण, वेपर, तो ये सारी चीजें हैं ये जब आपका एटमोसफेयर में उपस्थित होता है। राजकणों की वातावरण में, राजकण का वातावरण में महत्वपूर्ण स्थान है। यदि मैं राजकण की बात की जाए तो वातावरण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थान है किसका? राजकण का महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण स्थान कोहरा एवं उच्च जैसी प्रक्रिया के लिए राजकण के उत्तरदायी होता है। राजकण तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपके वातावरण में घूमते हैं, उन्हें हम एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से क्या होता है? कोहरा और उसकी कंडीशन खड़ी होती है। पृथ्वी की चारों तरफ चिपके हुए हवा के आवरण को वातावरण कहा जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा वातावरण कहते किसे? पृथ्वी के चारों तरफ चिपके हुए हवा के कण, ऐसे कण जो पृथ्वी के चारों तरफ चिपके हुए हवा के जो कण हैं उसे हम वातावरण कहते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 32 किलोमीटर से ऊंचाई तक वातावरण की 17.99% जितनी हवा सम्मित है। यदि मैं बात करता हूँ हमारे इस पूरे एटमॉस्फेयर में, एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए 100 किलो हवा है, कितनी? यदि 100 किलो हवा है तो उसमें से यदि ये मैं मानता हूँ ये पृथ्वी का जीरो लेवल है, यदि जीरो लेवल से मैं यदि 32 किलोमीटर तक आसमान की ओर जाता हूँ तो इतने में 99% हवा हमारी आ जाती है। क्या 99% जो हवा है वो हमारी सम्मिलित है, बाकी 32 kg के बाद? तो इसका मतलब ये पता चला जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हवा का क्या होगा? हवा का जो प्रभाव है, हवा कैसी हो जाएगी? पतली हो जाएगी। और जैसे जैसे नीचे आएंगे हवा कैसी हो जाएगी? मोटी। तो यहाँ पे हवा का घनत्व क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा हवा होगी। फिर ऐसे धीमे धीमे जाके ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट। तो हवा सीमित है, इसी कारण पृथ्वी की सतह से नजदीक के वातावरण घना होता है। यदि आप पृथ्वी के नजदीक रहोगे तो क्या होगा? वातावरण कैसा होगा? घना होगा। परंतु ज्यो ज्यो ऊंचाई पर जाते हो, जैसे जैसे आप ऊपर पे जाओगे तो वातावरण आपका क्या होगा? पतला होता जाएगा। वातावरण रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता, कोई गंध नहीं होती, उसकी कोई स्मेल नहीं होती। गतिशील हवा के पवन या लहर कहलाते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन है पवन कहते कैसे? इसे इंग्लिश में कहा जाता है विंड। विंड किसे कहा जाता है? यदि आपकी हवा जो है एयर कहते हैं, यदि वो स्पीड से ब्लो करे या स्पीड से बहने लग जाए, गतिशीलता से बहने लग जाए, तो उसे हम लहर कहने लग जाते हैं। वातावरण की स्थिति पक्ता और दबाव के गुण निहित होते हैं। क्या होता है? दबाव भी होता है इसमें। वातावरण पारदर्शक होता है। वातावरण क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। फिर भी इसमें गुजरने वाले अमुक प्रकार के विकर्ण का शोषण होता है तथा हवा के घर्षण का अवरोध भी होता है। अब इसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं, क्या बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है? हवा में घर्षण भी होने लगता है। जैसे कि सपोज कोई पार्टिकल्स, जैसे हम उल्का की बात करते हैं, उल्का को इंग्लिश में कहते हैं मीटियर्स। यदि सपोज मीटियर ऊपर से आ रहे हैं तो इस एटमोसफेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनके साथ तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है? यूं करके आग लग जाती है। इसे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उल्का क्या होता है? प्रज्वलित हो जाते हैं। वातावरण पारदर्शी होता है, फिर भी इसमें गुजरने वाले अमुक प्रकार के विकिरण का शोषण होता है तथा हवा का घर्षण के अवरोध भी होता है। इसी कारण आकाश की उल्का पृथ्वी के पहुंचने से पहले वातावरण भभक कर जल उठते हैं। क्या होता है? वातावरण के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, वातावरण के जो कण हैं, उसके अंदर उसका घर्षण बल मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगता है, उसकी वजह से वो भभक कर मतलब जल उठते हैं, उनका विनाश हो जाता है। अंततः वातावरण अवकाशीय पदार्थ से पृथ्वी की रक्षा करता है। क्या होता है? अवकाशीय पदार्थ जो बाहर के जो पदार्थ होते हैं उससे भी वातावरण रक्षा करता है। अब वातावरण की संरचना, वातावरण का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर वी आर डिस्कसिंग हियर, ये जो लेक्चर वो इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है। तो वातावरण ठोस, द्रव्य, गैस मिश्रित होते हैं। वातावरण मुख्य रूप से सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म तो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, राजकण, छाणकण, हिमकण, सूक्ष्म जीव, पानी की भाप, अलग अलग गैस की नमी मौजूद होती है। यदि बात की जाए, यदि एटमॉस्फेयर में यदि 100% है एटमॉस्फेयर, तो सबसे ज्यादा यदि देखा जाए तो जो 78% है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं 78%, तो सबसे जो है हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो आपकी कितनी है? 78% नाइट्रोजन है, याद रखना। ऑक्सीजन की क्वांटिटी की बात की जाए तो 21% हमारा ऑक्सीजन है, क्या कहना है? आर्गन की बात की जाए तो आर्गन 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 है और बाकी के अन्य गैसे नियोन है, हीलियम है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है, इस तरह की सारी हवाएं हैं। यदि वातावरण के अंदर डिस्कस किया जाए मूल में
वातावरण को हम देखे जाए तो वातावरण को हम देख सकते हैं कि जो वातावरण के अंदर सबसे ज्यादा कोई क्वांटिटी में कौन सी है, तो आपको पता है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, कितने प्रतिशत है, 78% है। यदि उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो कौन आता है, हमारा ऑक्सीजन आता है, जो कि कितना प्रतिशत, 21% आता है। उसके बाद आर्गन आता है, उसका 0.93% आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 0.3। इस तरह के याद रखना है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर बाकी की जो नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, मीथेन, क्रिप्टॉन, कार्बन, ये बहुत कम प्रतिशत है इनके। तो हमें मेन याद किसका रखना है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन है 78%, 78% है, जबकि ऑक्सीजन 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होती है। अब आपको एक क्वेश्चन ये मिल गया कि इस दुनिया की सबसे भारी गैस कौन सी है, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसें हैं तो उसमें सबसे भारी गैस कौन सी, सबसे भारी जो गैस है वो कौन है आपकी। सबसे भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे भारी गैस है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। जो पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक के वातावरण में निहित होती है, क्या होती है। अब आपसे पूछा ये बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कितने तक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपका कितना है, ये जो पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक का वातावरण में निहित होती है। सिर्फ 20 किलोमीटर तक जाओगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने के लिए मिलेगा, यदि आप सपोज 20 किलोमीटर से ऊपर जाओगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा नहीं। जबकि ऑक्सीजन 110 किलोमीटर की ऊंचाई तक तथा नाइट्रोजन 130 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो 20 किलोमीटर तक की क्यों निहित है, तो उसका जो क्वेश्चन है उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर तक का जो निहित है, कौन 20 किलोमीटर, जो 20 किलोमीटर तक हमारा जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है निहित है, कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है और 20 किलोमीटर तक निहित है। क्यों, क्योंकि जो भारी होता है वो ज्यादा दूर तक उड़ान भर पाता नहीं है, इसीलिए। जबकि ऑक्सीजन कितने 110 किलोमीटर तक क्या है, निहित ऊंचाई तक है, तथा नाइट्रोजन 130 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूं यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं तो सबसे ज्यादा भारी जो गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड कितने मीटर तक रहती है, कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक रहती है। जबकि सबसे हल्की गैस बात की जाए इन तीनों के अंदर तो नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन की ऊंचाई 130 किलोमीटर तक रहती है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो हमारा 110 किलोमीटर तक रहता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है, कितनी है, 0.03% है। वनस्पति अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है। अब आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बहुत बड़ा जो काम है ये क्या करता है, ये आपको प्रकाश संश्लेषण। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो आप लोग को पता है जो अपने जो स्वपोषी होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है, जो ऐसे प्लांट है, वो अपना खाना बनाने की जो प्रक्रिया है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के अंदर चार चीजों की जरूरत पड़ती है, एक पड़ती है क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और पड़ता है हमें लास्ट क्लोरोफिल और सनलाइट, राइट। इस तरह चार चीजों की जरूरत पड़ती है, तो इस दौरान हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। कितना है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03% भोजन तैयार करने में करती है, उसको उपयोग भोजन। मानव और प्राणियों के श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन। अब आपको पता है मानव के लिए और प्राणियों के लिए श्वसन क्रिया, कौन सी क्रिया, रेस्पिरेशन क्रिया करनी हो तो यू रिक्वायर्ड ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस आपको चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। ओजोन गैस का स्तर पृथ्वी की सतह से लगभग 32 से 48 किलोमीटर की ऊंचाई तक आया हुआ है। कितना है, 32 से लेकर 38 किलोमीटर की ऊंचाई तक, कौन सा है, ओजोन का स्तर। अभी ओजोन का जो स्तर वो किस लिए होता है, हमारे जो सूरज बाबा है, बोले तो सन बाबा, जो सन है वो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज, जो हार्मफुल रेस जो छोड़ी जाती हैं, जिससे हम कहते हैं पराबैंगनी किरणें छोड़ी जाती हैं, तो यदि वो किरणें हमारे डायरेक्ट हमारे चेहरे पे पड़ेंगी, यदि हमारे अर्थ पे पड़ेगी तो बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो सकता है और वो हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन 32 से 48 मीटर की रेंज में, क्या 32 से 48 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सा लेयर, ओजोन गैस। ये जो ओजोन गैस है एक परत बना के रखा है, उसकी वजह से जो पराबैंगनी किरणें जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं वो हमारे तक पहुंच पाती नहीं है। ऊंचाई है जो सूर्य की पराबैंगनी, ये देखो सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को शोषण करता है, कौन शोषण करता है, ओजोन गैस। कब तक फैली, 32 से 48। सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह से लगभग 130 किलोमीटर की ऊंचाई पर वातावरण हाइड्रोजन एवं हीलियम जैसी हल्की गैसें बनी है। अब सबसे हल्की और हल्की आ गई, अब हमने डिस्कस किया था इसमें नाइट्रोजन हमने हल्की बताई थी, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम भी बहुत हल्की है, इतनी हल्की है कि ये 130 किलोमीटर के बाद देखने के लिए मिलती है। यदि आपको हाइड्रोजन और हीलियम गैस देखनी है तो अर्थ से 130 किलोमीटर ऊपर चले जाना तो मिल जाएंगी। वातावरण में पानी है, ठोस है, द्रव्य, गैस है, तीन स्वरूप में निहित है। क्या है, वातावरण में पानी, जो पानी को हमारा सॉलिड में भी है, द्रव्य में भी है, गैस में, ये तीनों स्वरूप में निहित है। पानी, हवा में हिमकण, हिमकण मतलब होता है बर्फ जमाव, सॉलिड है, जल बिंदु और वाष्प, वाष्प भी होता है। पानी हमारे तीनों अवस्था में पानी हम पृथ्वी पर ले सकते हैं। यदि बात की जाए तो ठोस में भी है पानी, यदि बात की जाए तो द्रव्य में भी पानी, बात की जाए तो गैस में भी है। ठोस में यदि हिमालय की जो पर्वत है वहां पे पानी जो जमा है आइस के फॉर्म में,
आइस या बर्फ के फॉर्म में, हम ठोस कह सकते हैं जिसे हम सॉलिड कहते हैं, द्रव्य मतलब होता है गैसियस, गैसियस फॉर्म में भी वेपर होता है, वेपराइजेशन जिसमें वाष्पीभवन के रूप में होता है उसे हम कह सकते हैं। यदि हम गैस की बात की जाए और द्रव्य की बात की जाए तो द्रव्य ऑलरेडी है, यह सभी वाष्प महत्वपूर्ण स्वरूप है, विविध जलाशय में वाष्पीभवन एवं वनस्पति में वाष्प निष्कासन की प्रक्रिया को वाष्प उत्पन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? विविध जलाशय, कई सारे जलाशय हैं, आप लोग देख सकते हो जलाशय, बारिश होती है, बारिश हो जाती है पर आपका पानी गायब हो जाता है, तो जो गायब होता है उसे वाष्पीभवन कहते हैं। वनस्पति में भी वाष्पीभवन होता है, जैसे कि आप देखते हो आपका ये पत्ता है, इस तरह का आपका पत्ता होता है, तो इस पत्ते के अंदर भी क्या होता है? वाष्पीभवन होता है, जिसे इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और जबकि यदि किसी पेड़ से रिलेटेड हो, यदि आप पेड़ पौधे का यदि पानी उड़ जाता है, सपोज पानी वेपराइजेशन बनता है, भाप बनती है पानी की, तो उसे यदि पेड़ के लिए तो उसे ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। और जबकि ये कोई भी चीज है, जैसे कि मैं बात करता हूँ रोड पे पानी पड़ा है और उसका वाष्पीभवन होगा तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। वातावरण में वाष्प लगभग 10 से 12 किलोमीटर वातावरण में वाष्प लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही होता है। क्या होता है? लगभग कितना होता है? वातावरण में वाष्प जो होता है लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही होता है। कितने तक होता है? 10 से 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है। आपको लिए क्वेश्चन आएगा कि कितने होता है, तो आप देख सकते हो कितना है, 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक का होता है ये हमारा काफी है, 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है क्या वाष्प ऊंचाई होता है। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वाष्प का प्रमाण वातावरण में 0 से 4 जितना होता है, कितना होता है? 0 से 4% जितना ही होता है। किसका? वाष्प का, वेपर का। वाष्प सूर्य की गर्मी के शोषित कर लेने वाला वातावरण का महत्वपूर्ण घटक है। क्या है? अभी जो वाष्प है, वाष्प क्या करता है? जो सूरज की जो किरण है उसको, सूरज की जो गर्मी है उसको क्या करता है? कूल डाउन करता है, उसको कम करता है। कौन? वाष्प को लेकर वातावरण का महत्वपूर्ण घटक है। क्या? वाष्प सबसे महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि सूर्य की गर्मी को शोषित करता है। कौन शोषित करता है? हमारा जो वाष्प है वो महत्वपूर्ण घटक है। वातावरण में बादल, बादल होता है, कोहरा होता है, वर्षा आदि का वाष्प के स्वरूप होते हैं। क्या होता है? बादल होता है, कोहरा होता है, वर्षा होती है, आदि किसके हैं? वाष्प के स्वरूप है। पृथ्वी की सतह को एकदम नजदीक के वातावरण के असंख्य राजकण होते हैं, घुलीधर, खुली धरती, कारखाने के निकलने वाला धुआं, वनस्पति, ज्वालामुखी, विस्फोट, उल्कापात आदि के द्वारा वातावरण में मिलने वाले राजकण और क्षारकण वाष्पीग्रही एवं वाष्पधारी होने के कारण वातावरण की घनता की वृद्धि करते हैं। ऊषाकाले संध्या के दृश्य कोहरा बादल आदि का निर्माण की प्रक्रिया हवा में निहित राजकण की आभारी होती है। अभी वातावरण की संरचना किस तरह है, ये वातावरण के कितने सत्र होते हैं, इसमें कौन से सत्र में क्या होता है, कितने मंडल हैं वातावरण की, इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं, तो जो सबसे पहला है वो ट्रोपोस्फेयर है, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्षोभ मंडल। सेकेंड जो है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे समताप मंडल कहा जाता है। थर्ड जो है मेसोस्फेयर है, जिसे मध्याप मंडल कहा जाता है। फोर्थ जो है वो ताप मंडल, जिसे थर्मोस्फेयर कहा जाता है। और जो पांचवा है वो एग्जोस्फेयर होता है, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है। तो हम ये चार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। जो क्षोभ मंडल है इसकी रेंज कितनी है वो देखते हैं, राइट। तो क्षोभ मंडल के बारे में हम बात करते हैं, तो जो पृथ्वी की सतह के प्रारंभ, सबसे स्टार्टिंग से बात करते हैं, यदि हम जीरो से खड़े हैं, पृथ्वी की सतह से प्रारंभ प्रथम आवरण का क्षोभ मंडल कहते हैं। जो प्रथम, जिस आवरण में हम जी रहे हैं, जिस आवरण में हम जी रहे हैं उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, या तो हम ट्रोपोस्फेयर कह सकते हैं। क्या? पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होने वाला प्रथम, कौन सा प्रथम होता है, जो प्रथम होता है आवरण, उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। कौन सा प्रथम आवरण, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश पर यह 16 किलोमीटर, समशीतल कटिबंधीय पर यह प्रदेश पर 12 किलोमीटर होता है। जो उष्णकटिबंधीय, जो जंगल वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पे कितना होता है, इसकी जो रेंज है वो 16 किलोमीटर है, जबकि आप समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में 12 किलोमीटर तक होता है। जहां पे बर्फ होती है, बर्फ वाले जैसे हिमालय, तो वहां पे ऑलरेडी ऊंचाई है, तो वहां पे 12 किलोमीटर तक ये कटिबंधीय प्रदेश होता है। 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये विस्तृत होता है। ऊंचाई के यह अंक ऋतु के अनुसार बदलता रहता है, यह अंक ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि ग्रीष्मकालीन में क्षोभ मंडल अधिक ऊंचाई तक एवं शीत ऋतु में ठंडी के कम ऊंचाई तक विस्तृत होता है। यदि आपको गर्मी हो जाएगी, यदि सपोज आपके ग्रीष्म आ गई, ग्रीष्म ऋतु आ गई, तो क्षोभ मंडल है उसकी अधिक ऊंचाई हो जाती है। कितनी होती? ऊंचाई अधिक हो जाती है, लेकिन ये ठंडी आ जाती है तो इसकी ऊंचाई क्या होती है, इस ऊंचाई जो होती है वो घटने लग जाती है, विस्तृत होती रहता है, तो ये चेंज होता रहता है। पृथ्वी की सतह पर जीव सृष्टि के क्षोभ मंडल का स्पष्ट प्रभाव होता है। कितना? पृथ्वी की सतह, यदि पृथ्वी की सतह पर जीवन सृष्टि पर क्षोभ मंडल का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। यदि कोई भी हम बात की जाए, यदि कोई भी इंसान जी रहा है तो कौन से मंडल में जी रहा है? सबसे जो पहला मंडल है जिसका नाम ट्रोपोस्फेयर है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्षोभ मंडल, उसमें जी रहा है, राइट। वातावरण में तूफान, हवा के बहना, बिजली, बादल, वर्षा, चक्रवात, जो हवा का बहना, बिजली, बादल, वर्षा, चक्रवात आदि का अनुभव इसी आवरण में होता है। किसमें? इसी आवरण में बरसात का अनुभव होगा, चक्रवात का अनुभव होगा, इन सबका अनुभव होता है। पृथ्वी पर के मौसम और जलवायु के निर्माण को क्षोभ मंडल कहते हैं।
क्षोभ मंडल का महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे बड़ा जो योगदान है किसका है? क्षोभ मंडल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। वातावरण में कुल गैसों की मात्रा 75% जितनी गैस पानी की वाष्प और राजकण इस मंडल में आए हुए हैं। क्या वातावरण की कुल गैसों की मात्रा 75% जो गैसे हैं वो इस मंडल में आई हुई है और राजकण पानी आना है, रेनफॉल होना है, यदि बारिश होना है, ये सारे इसी के अंदर होते हैं। पृथ्वी की सतह से जो जो ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान घटता है। ये एक और चीज मिल गई, हमने इसके पहले देखा था, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो जो वातावरण होगा वो मोटा होगा कि पतला, तो आप सभी लोग जानते हो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो वातावरण क्या होगा? पतला होगा। लेकिन 0 से 32 किलोमीटर तक हमने डिस्कस किया था इसके पहले भी, आप देख सकते हो 0 से 32 किलोमीटर हमने डिस्कस किया था कि 99% जो है हमारा वातावरण निहित है, उसमें सीमित है, राइट। जितनी गैस पानी की वाष्प, देखो वातावरण के कुल गैसों की मात्रा 75% जितनी गैस पानी का वाष्प राजकण इस मंडल में आए हुए हैं। पृथ्वी की सतह पर ज्यों ज्यों ऊंचाई पर जाते हैं त्यों त्यों तापमान घटता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे पृथ्वी की सतह से ज्यों ज्यों ऊंचाई पर जाओगे त्यों त्यों तापमान क्या होगा? घटता है। आपका तापमान कैसा होता है? घटने लग जाता है पृथ्वी की सतह से ज्यों ज्यों ऊंचाई पर जाओगे। अब आपसे कोई पूछेगा यदि आप पहाड़ों पर जाओगे तो तापमान ज्यादा होगा कम? तो तापमान कम होगा। अर्थात किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने से लगभग 65 डिग्री सेल्सियस घटता है। क्या होता है? किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऊंचा जाओगे ना आप तो 65 डिग्री सेल्सियस घटता है। सपोज मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये 65 ये 6.5 नहीं पता चला, 6 डिग्री ऐसा कुछ 6.5 डिग्री आपका घटता है। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपकी आप बात करते हैं इस दुनिया का सबसे जो ऊंचा पीक है वो कौन है? माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट की 8848 क्या है? मीटर हाइट है। यदि इसको मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 8 किलोमीटर के आसपास होता है। 1 किलोमीटर आप ऊंचे जाओ, जैसे कि मैं 1 किलोमीटर ऊंचा गया तो कितना हुआ? 6.5 डिग्री। यदि यहाँ पे सपोज धरती पे 40 डिग्री है तो कितना हो जाएगा? 33.5 हो जाएगा। और ऊंचा गया तो 6 डिग्री और घट जाए, और ऊंचा गया तो 6 डिग्री और घट जाए, और ऊंचा गया तो 6-6 डिग्री घटता जाएगा। 6.5 डिग्री घटता है 1 किलोमीटर ऊंचाई जाने पर। तो आपको याद रहेगा कि 1 किलोमीटर ऊंचे गए तो कितना घटेगा? 6.5 डिग्री टेम्परेचर घटता है। टेम्परेचर घटेगा तो ठंडी आएगी। चलो, क्षोभ मंडल की ऊपर की सतह जहां तापमान घटना बंद होता है हो जाता है उस सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। अब एक पृथ्वी की जो क्षोभ मंडल है, एक पर्टिकुलर जाएंगे 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 टेम्परेचर घटता जाएगा, लेकिन एक ऐसी लिमिट आएगी जब आपका टेम्परेचर घटना बंद हो जाएगा, उस लिमिट को, उस सीमा को कहते हैं क्षोभ सीमा। ये इसकी बॉर्डर आ गई लास्ट, क्या हो गई? क्षोभ सीमा कहते हैं। इस समय इस सीमा विस्तार को हवा का तापमान लगभग स्थिर रहता है और हवा का हलन चलन भी मंद मंद पड़ जाता है। क्या था? हवा का जो हलन चलन वो कैसा हो जाता है? मंद पड़ जाता है, और जो तापमान हो जाता है वो हमारा स्थिर रह जाता है। इसीलिए यह विस्तार विमान के उड़ान के लिए खूब अनुकूल माना जाता है। तो ये ऊपर का जो भाग है वो विमान के उड़ान के लिए अनुकूल माना जाता है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है? कोई भी सीमा, मतलब कोई भी तापमान बढ़ने घटने की कोई कंडीशन होती नहीं है, ना हवा का हलन चलन मंद पड़ जाता है। इसीलिए जो ये विस्तार है ये विमान के उड़ान के लिए खूब अनुकूल माना गया है। तो आप कह सकते हो विमान कहाँ पे उड़ते हैं? विमान उड़ते हैं क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा से विमान उड़ने लग जाते हैं। अब सेकंड बात करें, जैसे कि आप ये देखो मैप में देख सकते हो, यहाँ पे क्षोभ मंडल खत्म हो रही है, क्षोभ सीमा आ गई, बॉर्डर आ गई। इस क्षोभ सीमा और जो हमारा जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर किसका है? हमारा जो समताप मंडल है, ये आप देख सकते हो स्ट्रेटोस्फीयर, जो समताप मंडल है इसकी जो लिमिट है, इसकी जो सीमा है, उस पर हमारे प्लेन उड़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? स्ट्रेटोस्फीयर को, जिसको समताप मंडल कहा जाता है, नाम इसका समताप मंडल है। क्षोभ मंडल जहां पूरा होता है, क्या होता है? जहां पे क्षोभ मंडल पूरा होता है, कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल पूरा होता है, से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक का समताप मंडल विस्तृत है। क्या? क्षोभ मंडल जहां भी पूरा होता है, सपोज क्षोभ मंडल 30 किलोमीटर में पूरा होता है तो 30 किलोमीटर का बाद का जो इलाका है उसे वहां से क्षोभ मंडल चालू, यहां से समताप मंडल चालू हो जाता है। अभी क्षोभ मंडल ये आपका शायद 10 किलोमीटर के यहां पे एप्रोक्सीमेटली पूरा हो जाता है क्षोभ मंडल, इसमें दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो 0 से 10 किलोमीटर। तो आपसे किसी ने पूछा भैया क्षोभ मंडल कितने तक फैला है? ये एन एवरेज आपका जो क्षोभ मंडल फैला है 0 किलोमीटर से लेके आपका 10 किलोमीटर तक का ये भाग फैला हुआ है, और 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक आपका समताप मंडल फैला हुआ है। तो हमने क्या देखा? समताप मंडल, क्षोभ मंडल जहां पूरा होता है, जहां वहां से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल विस्तृत है। इस आवरण में तापमान लगभग स्थिर रहता है। क्या रहता है? तापमान कैसा रहता है? स्थिर रहता है। इस आवरण में तापमान लगभग स्थिर रहता है, जिससे इसे समताप मंडल कहते हैं। क्या होता है? तापमान यहाँ पे स्थिर हो जाता है, इसलिए इसका नाम समताप। ताप क्या होता है? समताप हो जाता है, एकदम लिमिट थम जाती है, मतलब तापमान में बढ़ोतरी होती और ना घटता है। जो ताप है आपका, जो तापमान है वो लगभग स्थिर हो जाता है। क्या होता है? स्टेबल हो जाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं समताप मंडल, जहां पे ताप स्थिर हो जाता है। समताप मंडल में ऋतुओं का अनुभव
नहीं होता, इसमें समताप मंडल है, इसमें ऋतु और कोई भी अनुभव होता नहीं है। इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है कि गर्मियों के ठंडी हो, बादल, वर्षा, चक्रवात, हिम आदि यह बिल्कुल देखने नहीं मिलता। यहाँ पे ना बरसात मिलेगी, ना आपको चक्रवात मिलेगा, ना आपको हिम मिलेगी। ये सब हमें जो देखने के लिए मिलता था वो क्षोभ मंडल में मिलता था, जो कि हमारा पहला मंडल था। उसकी जो रेंज है वो 0 से 10 किलोमीटर की रेंज है, और 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर में क्या होता है, हमारा हमारा जो ये समताप मंडल है, इसका नाम समताप मंडल क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पे जो तापमान होता है वो कैसा रहता है, स्थिर रहता है, राइट, नहीं मिलता। यहाँ की हवा अत्यंत स्वच्छ होती है, बहुत स्वच्छ होती है एवं पतली होती है। अब आपको पता है पतली तो होगी, क्योंकि जो जो आप ऊंचाई पे जाओगे त्यों तो आपकी हवा कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी। जो जो आप ऊपर जाओगे आपका तापमान घटने लग जाएगा, तापमान घटने लग जाएगा, और कितना घटता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर। लेकिन जैसे जैसे क्षोभ, आपका जो इस क्षोभ मंडल है वो खत्म हो जाएगा, तो उसे उसको कहते हैं क्षोभ सीमा। क्या कहते हैं आप उसको, क्षोभ सीमा कह सकते हो, वहां पे आपके प्लेन उड़ते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं आगे, तो आगे डिस्कशन करने वाले इसी का, क्षोभ मंडल का ही चैप्टर चल रहा है अभी। क्षोभ मंडल कैसे कहते हैं, सॉरी क्षोभ नहीं, समताप मंडल। इस आवरण में पारा में पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक का हवा का तापमान लगभग स्थिर रहता है। कितना रहता है, इस आवरण के पारम में ही पृथ्वी की सतह से, इस आवरण का जो पारम होता है वो कहता है 20 किलोमीटर तक स्थिर रहता है। इस आवरण कौन सा आवरण है ये, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं समताप मंडल के बारे में। तो लगभग 20 किलोमीटर तक इसका आवरण के स्थिर रहता है। तो आपको बताइए जो समताप मंडल है ये आपका 10 किलोमीटर से चालू हो जाता है, 10 किलोमीटर से, 10 किलोमीटर से लेके आपका ये कह सकता हूँ मैं 30 किलोमीटर तक इसका तापमान कैसा रहता है, स्थिर रहता है, तापमान लगभग स्थिर रहता है। इसके बाद ऊंचाई पर जाने से तापमान धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। क्या होता है, तापमान बढ़ने लग जाता है, क्या हो जाता है, तापमान बढ़ने लगता है। पहले क्या हुआ, तापमान घटा, फिर क्या हुआ, तापमान स्टेबल रहा, फिर तापमान बढ़ने लग गया, और लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान बढ़ना बंद हो जाता है। देखो कितना एकदम अच्छा लॉजिक बताया है इन्होंने, इन्होंने ये बताया है। देखो मैं इधर आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूँ कि सबसे पहले 0 डिग्री है, 0 किलोमीटर से, यदि आप 0 किलोमीटर से लेकर कितने तक जाओगे, 10 किलोमीटर तक जाओगे, कितने तक जाओगे, 10 किलोमीटर, तो आपका तापमान बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा, तापमान घटेगा। लेकिन आप 10 से लेके कितने, 10 से लेकर आप 30 तक जाओगे तो आपका तापमान स्थिर रहेगा, लेकिन आप 30 से 50 तक जाओगे तो आपका तापमान बढ़ता रहेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, तापमान जो आपका वो बढ़ेगा, और यहाँ पे जो आपका तापमान है टी घटेगा, राइट, चल रहा है बता। तो आप 0 से लेके 10 किलोमीटर तक गए तो आपका तापमान बढ़ोतरी हुई, और 10 से 30 किलोमीटर तक आपका तापमान स्थिर रहेगा, और 30 से 50 किलोमीटर तक आपका तापमान बढ़ेगा, सॉरी 0 से 10 पे घटेगा। तुमने ये देखा 20 किलोमीटर की ऊंचाई तापमान स्थिर रहता है, इसके बाद ऊंचाई पर जाने से तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान बढ़ना बंद हो जाता है। जिसे जिस ऊंचाई पर तापमान बढ़ना बंद हो जाता है उसे हम समताप सीमा कहते हैं। जहां पे क्या होता है, तापमान बढ़ना बंद हो जाता है, क्या होता है, तापमान बढ़ना बंद हो जाता है। उसी तरह इसके पहले हमने पढ़ा था क्षोभ मंडल, वहां पे तापमान घटना बंद हो जाता है तो उसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं, और यहाँ पे तापमान बढ़ना बंद हो जाता है इसीलिए हम समताप सीमा कहते हैं, स्टेटस पॉज कहते हैं, राइट। ऊंचाई के साथ समताप आवरण का संरचना की काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस आवरण में 32 किलोमीटर से 48 किलोमीटर के बीच में ऊंचाई के ओजोन का वायु स्थित होती है। कहां से होती है, 32 किलोमीटर से, याद रहेगा। अब जो आपसे किसी ने पूछा क्वेश्चन कि जो ओजोन की जो परत है वो कहां पे आई है, तो ओजोन की जो परत आई वो दूसरे नंबर में आई है। दूसरे नंबर कौन है, समताप मंडल। समताप मंडल की रेंज वैसे कितनी है, समताप मंडल है वो 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन जो आपका जो ओजोन लेयर है वो 32 से 48 किलोमीटर तक आया हुआ है। यदि आपसे किसी ने पूछा ओजोन की जो लेयर है, ये आपकी जो ओजोन की लेयर है ये कहां तक फैला है, तो ये 32 किलोमीटर से लेके तो आपका ये 48 किलोमीटर तक का ओजोन का लेयर फैला हुआ है। किस मंडल में आया, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि जो आपका ओजोन का जो लेयर है वो कौन से मंडल में है। यदि इंग्लिश में बात की जाए तो इसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, और हिंदी में कहा जाता है संताप मंडल के नाम से जाना जाता है। सूर्य के अत्यंत जलद परामैग्निक किरणें यहाँ अवशोषित हो जाती है। क्या होती है, जो हमारे सूरज बाबा है उनसे परामैग्निक किरण छूटी जाती है, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। वो जैसी किरण है कौन अवशोषित करता है, ये हमारे ओजोन का जो ओजोन है, ओजोन का जो लेयर ओजोन फेयर वो अवशोषित करता है। यहाँ से गुजरने वाली उल्का जलकर नष्ट हो जाते हैं, यहाँ से गुजरने वाली उल्काएं जलकर नष्ट हो जाती है। यहाँ से कोई उल्का यदि गुजरेगी तो क्या जलकर नष्ट हो जाएगी। ओजोन वायु जंतुनाशक होता है, ओजोन क्या है, वायु में जंतुनाशक की तरह काम करता है, हवा को शुद्ध करती है, मनुष्य के लिए आरोग्यप्रद होती है। अभी जो ओजोन की जो लेयर है वो मनुष्य के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है और काफी अच्छी रहती है इंसानों के लिए, और उसका भला सोचती है, कौन, ओजोन लेयर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये ओजोन की जो लेयर है वो कितनी है, इसकी रेंज है जो 32 किलोमीटर से लेके 48 किलोमीटर तक ओजोन का लेयर फैला हुआ है, और
इसके अंदर अपना ओजोन हमारे लिए काफी फायदेकारक है और ये पैरा बैंगनी किरण है उसे रोकती है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अल्ट्रावायलेट रेज। अब हम बात करते हैं मीसोस्फेयर, जो कि हमारा सेकंड नंबर का टॉपिक, थर्ड नंबर का टॉपिक था मीसोस्फेयर। समताप आवरण के ऊपर का लगभग 50 किलोमीटर से लेकर रेंज बता दी इन्होंने। जो आपका ये मध्य मंडल है, जो बीच वाला मंडल है, मैसोस का मतलब ही मिडल होता है, जो मध्य मंडल है उसकी जो रेंज है वो आपकी 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक की रेंज आती है। कितनी आती है? आपकी 50 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई का भाग को मध्य मंडल कहा जाता है। इस आवरण की ऊंचाई पर जाने से तापमान घटता है। क्या होता है? तापमान फिर से घटने लग जाता है। क्या होता है? तापमान घटता है, लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तापमान घटना बंद हो जाता है। इस ऊंचाई के मध्य आवरण सीमा कहा जाता है, जहां पे इनका एंड हो जाता है उसे मध्य आवरण सीमा कहा जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा था वो क्षोभ मंडल था। कौन सा मंडल था? पहले नंबर का डिस्कस कर रहे हैं, क्षोभ मंडल था। जो फर्स्ट नंबर का था वो क्षोभ मंडल था। क्षोभ मंडल की जो लिमिट है वो कितनी है? 0 से 10 किलोमीटर तक की। क्षोभ मंडल में क्या होता है, आपका जो तापमान है हाइट पे जाने से क्या होता है, घटता है। क्या होता है? घटता है। और जहां पे घटना बंद हो जाए उसे हम कहते हैं क्षोभ सीमा, राइट। अब क्षोभ सीमा के बाद कौन आता है? समताप मंडल आता है। जो समताप मंडल की जो रेंज है वो कहां से है? 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक की रेंज है। अब समताप मंडल के अंदर भी आपका जो तापमान है वो कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। कब तक स्थिर रहेगा? 10 किलोमीटर से लेके तो आपका 30 किलोमीटर, टोटल 20 किलोमीटर तक स्थिर रहेगा। लेकिन 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक आपका तापमान क्या होने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। और बाद में मध्य मंडल में यही आपका तापमान 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक घटने लग जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ? तापमान घटा, फिर स्थिर रहा, फिर बढ़ा, फिर से घटा। लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तापमान घटना बंद हो जाता है, इसीलिए इसे मध्य आवरण सीमा कहते हैं। इस विस्तार को तापमान को बापरे इस विस्तार में तापमान -90 से लेकर -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। बापरे, तापमान घटना चालू हो जाता है। इतना घट जाता है कि -90 से मतलब बर्फ जम जाए ऐसा। देखो कितना तापमान घट चुका है। देखो -90 डिग्री सेल्सियस से लेकर -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान घट जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतना सारा तापमान हमारा घट जाता है। अब बात करते हैं चौथे मंडल के बारे में। चौथा मंडल जो है उसका नाम क्या है? थर्मोस्फेयर। थर्मो का मतलब होता है हीट, ताप वाला मंडल। मध्य आवरण के ऊपर के आवरण को उष्मा आवरण कहते हैं। उष्मा आवरण इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रारंभ होकर जहाँ वातावरण पूरा होता है वहां तक की विस्तृत, मतलब मैं कह सकता हूँ 80 किलोमीटर से चालू हो जाएगा और जहां तक वातावरण चलने वाला है उसका जो लास्ट लेयर है उसे हम कहते हैं तापमंडल, थर्मोस्फेयर। यहाँ हवा एकदम गर्म होती है। बापरे, हवा एकदम कैसी होती है? गर्म होती है। हवा एकदम गर्म और पतली होती है। क्या होती है? जितनी गर्म होगी उतनी चीज पतली होगी। देखना, आप कोई भी चीज का टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा? पतला होगा, पतली होती है। इसी आवरण में 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 900 किलोमीटर जितने तापमान होते। बापरे, 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाओगे ना तो आपका तापमान कितना हो जाएगा? 900 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यदि आप इसकी ऊंचाई पर जाओगे तो आपका 900 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सूर्य की पराबैंगनी किरणों का सतत मार के कारण उष्मा आवरण की हवा का आयनीकरण होता है, इसीलिए वातावरण के इस आवरण को आयन मंडल भी कहा जाता है। सूर्य की पराबैंगनी, जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरण है वहां पे कंटिन्यूस आ रही सतत मार के कारण उष्मा आवरण, जो उसमें जो आवरण है इसका आयनीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनीकरण हो जाता है। इसीलिए वातावरण के इस आवरण को आयन मंडल भी कहा जाता है। क्या होता है? वहां पे पराबैंगनी किरण जो कंटिन्यूस आ रही है उसकी वजह से क्या हुआ? इसका आयनीकरण है और उसकी वजह से आयनोस्फेयर भी कहा जाता है। रेडियो प्रसारण की तरंगों को ग्रहण करके यहाँ मंडल उन तरंगों को पृथ्वी पर वापस भेजता है। क्या होता है? रेडियो प्रसारण करना, तो उसकी जो सारी तरंगे वहाँ रेडियो का काम कहाँ पे होता है? सबसे लास्ट मंडल, जिसे ताप मंडल कहा जाता है। अंतः प्रसारण के यहाँ आवरण को खूब महत्वपूर्ण होता है। इस आवरण में हम होने वाले आयनीकरण की प्रक्रिया के कारण कई बार ध्रुव प्रदेश में ऊंचे आकाश के मेरु ज्योति और ओरा देखने को मिलता है। क्या होता है? ओरा देखने को मिलता है। तो कई बार प्रकाश रेखा पुंज के रूप में कई बार मंडप की झालर के आकार में भी देखने को मिलता है। विकसित राष्ट्र अंतरिक्षयान द्वारा विविध प्रकार के प्रयोग करके अधिक ऊंचाई पर आए हुए वातावरण की जानकारी प्राप्त करने के प्रयत्नशील कर रहे हैं। आज भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम एटमोस्फेयर के बारे में, वातावरण के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त कर लें। अब हम बात करते हैं वेदर, मौसम क्या होता है। सुनो, वायुमंडल के अल्पकालीन वास्तविक, अल्पकालीन छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए सर मौसम कहते हैं। मौसम सुबह शाम दोपहर रात या दिन के किसी भी समय का हो सकता है। मौसम किसी भी समय का हो सकता है, आज बारिश होने वाली के नहीं होने वाली, इसका जो होता है इसे हम कहते हैं मौसम कहते हैं। मौसम का आधार तापमान, नमी, वर्षा, हवा के दबाव, कोहरा, बादलों का मात्रा आदि तत्वों के आधारित होता है। क्या होता है? दबाव कैसा है, कोहरा, उसकी हवा के ऊपर भी मौसम का असर करता है।
विश्व के देशों अपने प्रदेश में प्रतिदिन मौसम का हाल दर्ज करके उसको उसका विवरण करते हैं। कई लोग हम देख सकते हैं दूरदर्शन पे, रेडियो पे, हमें मौसम के बारे में जानकारी मिलती है, जो 1 या 2 दिन का होता है उसे मौसम की जानकारी कहते हैं, जिसे मौसम कहते हैं। क्लाइमेट जो होता है वो दीर्घकालीन होता है, ये अल्पकालीन होता है, याद रखना। आप मौसम में और जलवायु में क्या अंतर है, यदि बात की जाए, मौसम मतलब होता है वेदर, जलवायु मतलब होता है क्लाइमेट। यदि मैं मौसम की बात करूं तो जो मौसम होता है वो अल्पकालीन होता है वेदर, और जबकि ये जो होता है जलवायु दीर्घकालीन, ये शॉर्ट टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है, राइट। अब हम बात करते हैं जलवायु के तत्व। जलवायु के तत्व क्या होते हैं, जलवायु के तत्व हम बात करें सूर्य ताप और तापमान। सूर्य में से मिलने वाली गर्मी सूर्य ताप कहलाती है, सूर्य से जो मिलने वाली गर्मी उसे हम कहते हैं सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य ताप की मात्रा अक्षांश के अनुसार अलग अलग देखने को मिलती है। क्या होती है, अक्षांश और देशांतर आपने पढ़े होंगे, तो अक्षांश और देशांतर के ऊपर से ही सूर्य ताप डिसाइड होता है। उष्ण कटिबंधीय में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से तापमान ऊंचा रहता है। अब आपको पता है आपके अर्थ में, यदि आप अर्थ को ग्लोब पढ़ोगे तो उसमें देखोगे सबसे ज्यादा जो सन के सामने पड़ने वाला वो कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका है, तो इसीलिए वहां पे क्या होती है गर्मी ज्यादा रहती है और वहां के लोग काले रहते हैं। उस कटिबंधीय में सूर्य की किरण लंबवत पड़ने से तापमान ऊंचा रहता है, जबकि ध्रुवीय प्रदेश में किरणों की तिरछी पड़ने से तापमान नीचे रहता है। यदि किरणें कैसी पड़ती, तिरछी पड़ती है, सीधी किरणें पड़ती नहीं है, उस वजह से वहां तापमान कैसा रहता है, तापमान कम रहता है। सूर्य ताप एवं तापमान पर किसी भी प्रदेश का जलवायु गर्म, ठंडी, नम या निश्चिंत करता है। क्या सूर्य के ताप से हम बता सकते हैं कहाँ पे गर्मी है कहाँ पे ठंडी है, इसके ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि सूर्य कौन सी रेज में गर्मी है, कौन सी रेज में ठंडी है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। दबाव क्या होता है, दबाव को इंग्लिश में कहा जाता है प्रेशर। क्या कहा जाता है, प्रेशर। अक्षांश समुद्र की दूरी, प्राकृतिक रचना, भौगोलिक स्थान, ऊंचाई, जंगल प्रदेश आदि हवा के हल्के एवं भारी दबाव की रचना होती है। विषुव वृत्तीय प्रदेश में गर्मी के कारण हवा का हल्का दबाव होता है। हवा यदि गर्मी होगी तो हवा कैसी हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, और गर्मी होगी तो तापमान बढ़ा, और तापमान बढ़ा तो क्या होगी, हवा हल्की होने वाली है, और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है हवा क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। और नहीं, तापमान बढ़ता है तो हवा हल्की होती है, जबकि तापमान घटता है तो हवा भारी हो जाती है, ठंडी के टाइम पर हवा भारी हो जाती है। इस तरह विविध परिबलों के प्रथम हवा के हल्के एवं भारी दबाव की रचना होती है। हवा भारी दबाव पर से हल्का दबाव की ओर गति करती है, का जो हवा है वो दबाव पर हल्के दबाव से कहाँ जाएगी, गति करती है, भारी दबाव से हल्की हल्के दबाव की ओर जाती है। समुद्र पर भारी दबाव होता है उसी समय वैश्वभूत को हल्के दबाव अर्थात महाद्वीपों की ओर चलता है, वर्षा प्रदान करती है। समुद्र की ओर से आने वाली पवन को ठंडा होने के कारण समुद्री किनारे की जलवायु सम होती है। जलवायु क्या होती है, ठंडी होती है। जिन भागों में शुष्क पवन चलती है, कम चलती है, वहां बहुत कम वर्षा होती है। जहां पे हवा शुष्क मतलब एकदम ठंडी ठंडी हवा नहीं चलती, गर्मी वाली चलती है, तो वहां पे वर्षा कम होती है, जलवायु विषम बनती है। इसी प्रकार किसी भी प्रदेश की जलवायु परिवर्तन लाने में दबाव और पवन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दबाव हवा, समझ गए, जितना ज्यादा दबाव होगा उतनी हवा नहीं जाएगी। नमी क्या होती है, नमी होता है मॉइस्चर, क्या कह सकते हैं, मॉइस्चर, वर्षा। वातावरण वाष्प के रूप में निहित पानी को नमी कहते हैं। जो क्या होता है, वातावरण में जो वाष्प जो वेपर के फॉर्म में होता है उसे निहित पानी, जो क्या होता है वाष्प के रूप में जो पानी निहित होता है उसे हम नमी कहते हैं। कैसे कहते हैं, नमी कहते हैं। द वॉटर विच इज इन द फॉर्म ऑफ वेपर इट इज नोन एज मॉइस्चर। नमी की मात्रा के आधार पर वाष्पीभवन की तीव्रता पर विश्वभवन पर तीव्रता पर होता है। सूखे रेगिस्तान प्रदेश में कम वर्षा होने के कारण तथा ध्रुव प्रदेश में नीचा तापमान होने के कारण वाष्पीभवन की क्रिया धीमी होती है। वाष्पीभवन की क्रिया कैसी होती है, धीमी होती है, जिसके वहां की हवा की से नमी की मात्रा कम होती है, जिसमें वहां वर्षा कम होती है। विषुववृत्तीय प्रदेश के सूर्य की किरण, विषुववृत्तीय प्रदेश में सूर्य की किरणों को 12 महीनों सीधा पड़ने पर कारण वाष्पीभवन सबसे अधिक होता है। विषुववृत्तीय, अब विषुववृत्तीय मतलब होता है जो आपके जो इक्वेटर है, जो विषुववृत्तीय मतलब ट्रॉपिकल जो रीजन है, जहां पे सूर्य की किरण सीधी पड़ती है वहां पे क्या होगा, जहां पे जितनी गर्मी होगी उतना वाष्पीभवन होगा, वाष्पीभवन होगा उतनी बरसात भी होनी चाहिए, तथा दुनिया की सबसे अधिक वर्षा यहाँ होती है। हवा में मौजूद नमी उष्म गर्मी उत्पन्न करता है। जो नमी हवा में, जो गर्मी है, जो नमी बैठी होती है, जैसे कि हम बात करते हैं जो वेपर है जो वाष्पीभवन के रूप में, तो क्या करते हैं, गर्मी भी पैदा करते हैं। नमी जलवायु मानव स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होती नहीं होती। इसी तरह नमी एवं वर्षा के कारण शुष्क और नमी युक्त जलवायु निश्चित होती है। नमी क्या होती है, जब भी सपोज आप कहीं समुद्र के किनारे गए होंगे तो आपके चेहरे पर आपको मॉइस्चरनेस नमी नमी से देखने के लिए मिलता है। अब जलवायु प्रभावित करने वाले परिवर्तन, अक्षांश, अक्षांश आपको बताएं लैटिट्यूड क्या होता है, उसे अक्षांश कहा जाता है। लैटिट्यूड का अक्षांश जलवायु पर असर करने वाले महत्वपूर्ण परिबल है। भूमध्य प्रदेश के सूर्य की किरणों
लंबवत पड़ने पर वहां गर्मी अधिक पड़ती है। क्या होती है, जो सीधी जो अक्षांश सीधे पड़ने, सीधी जो सूर्य की किरण में आती है, इस अक्षांश जो होते हैं वो इसे कहते हैं अक्षांश। जो ऐसी लेटी होती है ना अर्थ के ऊपर बनी होती है, इसे अक्षांश कहा जाता है। यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर होता है, यहाँ पे कर्कवृत होता है, ये सब अक्षांश होता है। अब समुद्र तल की ऊंचाई की बात करते हैं। समुद्र की सतह जो जो ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। आप जानते हैं समुद्र के तल से जो जो ऊंचाई पर जाएंगे तापमान बढ़ेगा। 1 किलोमीटर ऊंचाई पर, मैंने इसके पहले डिस्कस किया, 1 किलोमीटर ऊंचाई पर कितना होगा, 65 डिग्री, 6.5, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका घटता है। समुद्र की सतह से जो जो ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान के साथ दबाव घटता है। यदि तापमान घटेगा तो आपका दबाव भी घटेगा, यदि तापमान बढ़ेगा तो आपका दबाव भी बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट? डायरेक्टली तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों बढ़ते हैं। कुछ स्थल उष्णकटिबंधीय के कारण भी अपनी ऊंचाई के कारण वहां की जलवायु खुशनुमा एवं स्फूर्तिदायक होती है। दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप इक्वेटर के क्वेटा शहर में भूमध्य रेखा की स्थिर होते ही है ऊंचाई के कारण उसकी जलवायु खुशनुमा होती है। क्या होती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इक्वेटर, इक्वेटर नाम का एक देश है, उसकी जो राजधानी क्वेटो है वहां पे भूमध्य रेखा पर स्थित है। क्या है, एकदम 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थित है, इसलिए वहां पे ना ज्यादा गर्मी भूमध्य रेखा होती है कारण उसकी जलवायु खुशनुमा होती है। इसी कारण ग्रीष्म ऋतु में असहाय गर्मी से बचने के लिए लोग शिमला जाते हैं। क्या होता है, गर्मी बहुत पड़ती है, उससे बचने के लिए लोग शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, दार्जिलिंग, माउंट आबू, ऐसी जगह का हिल स्टेशन का दौरा करते हैं। समुद्र से दूरी, अब समुद्र से दूरी का क्या असर पड़ता है देखते हैं। जमीन एवं पानी की गर्मी का संग्रह करने के लिए, शक्ति आदान प्रदान करने के लिए शक्ति अलग अलग होती है। पृथ्वी की स्थिर महाद्वीप और महासागरों का यह प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। समुद्र के किनारे के पास के क्षेत्र में समुद्री प्रभाव होता है। अब जो जो स्टेट, जो जो सिटी समुद्र के किनारे, वहां पे समुद्र का प्रभाव देखने के लिए मिलता है, जलवायु देखने के लिए मिलती है। जबकि समुद्र से दूर जमीन खंड के अंदर के भागों का तापमान ऊंचा रहता है। आप देखना, जो समुद्र के पास उनका तापमान कैसा रहेगा, कम रहेगा। जबकि जो चीजें आपकी हैं, जो चीजें समुद्र से दूर होंगी, समुद्र के किनारे स्थित होती हैं, उनका ताप, उनकी जो वायु होती है, जलवायु कैसी सम होती है। क्षेत्र में समुद्र प्रभाव देखने के लिए मिलता है, जबकि समुद्र से दूर जमीन खंड के अंदर के भागों का तापमान ऊंचा रहता है। जो जो समुद्र से दूर रहते हैं, जो जमीन दूर है, उसका तापमान कैसा रहेगा, ऊंचा। और जो समुद्र के पास रहेगी उसका तापमान कैसा होगा, तापमान उसका कम होगा। साथ ही वर्षा भी कम होती है वहां पे, साथ ही वर्षा भी कम होती है। मुंबई, सिंगापुर, लंदन, शंघाई, रियो डी जेनेरो आदि शहरों में समुद्र किनारे स्थित होने के कारण वहां सम जलवायु कैसी एकदम सही है। जबकि दिल्ली, मॉस्को, वीनस, पर अमृतसर, लाहौर आदि शहरों में समुद्र किनारे से दूर होने के कारण यहाँ की जलवायु कैसी विषम है, जलवायु मजा आती नहीं है। अब समुद्री धाराएं बात कर रहे हैं। समुद्र की जो धाराएं हैं, महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म ठंडी धाराएं जलवायु को प्रभाव डालती हैं। जिस समुद्र के किनारे पास गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं बहती हैं, वहां की जलवायु क्रम अनुसार वाष्पमय एवं ठंडी रहती है। क्या होती है, ठंडी रहती है, वहां पर दोनों बहती है। कनाडा के पूर्व किनारे में पश्चिम यूरोप के उत्तरी भाग में लगभग समान अक्षांश पर स्थित है, फिर भी उन दोनों प्रदेशों के पास से प्रभावित विभिन्न प्रकार की समुद्री धाराएं के कारण उनका जलवायु में अंतर होता है। कनाडा के पूर्व किनारे के पास लैब्राडोर की ठंडी धारा बहती है, क्योंकि लैब्राडोर नाम का एक इलाका है बहती है, जिसके वहां जलवायु खूब ठंडी होती है। क्या होती है, जलवायु ठंडी होती है, वहां पर कैसी वेव्स रहती है उसके ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार की जलवायु रहती है। अब जमीन के प्रकार बात करते हैं। जलवायु के निर्माण में जमीन का एक गौण परिबल है। रेतीली जमीन होती है तो गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। रेतीली जमीन होगी तो क्या होगा, जल्दी गर्मी आएगी, जल्दी ठंडी होगी। ऐसी जमीन रेगिस्तान प्रदेश के विषम जलवायु का निर्माण करती है। विषम का अलग तरह का, अभी हमें कंटिन्यूस ठंडी, कंटिन्यू बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत ज्यादा गर्मी मिली, थोड़ा थोड़ा सब चाहिए होता है। लावा की काला या काप की वाली जल्दी गर्म जमीन जल्दी गर्म या जल्दी ठंडी नहीं होती। कैसी, यदि काली जमीन हो, कैसी हो, काली या काप की जमीन हो तो ना जल्दी गर्म होगी और ना जल्दी ठंडी होगी। जबकि रेगिस्तान की जमीन कैसी होती, जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म होती है। इस प्रभाव को जलवायु पर पड़ता है। तो जमीन का प्रकार है उस पर भी जलवायु का असर पड़ता है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया है। अब हमारे और भी बाकी है, अब दो एक पेज और बाकी है। जंगल का प्रमाण, जंगल के प्रमाण के ऊपर भी जलवायु डिसाइड होता है। विपुल मात्रा में आए हुए जंगल के प्रदेश को वर्षा मात्रा अधिक होती है। जहाँ पे जंगल ज्यादा होगा वहां पे बरसात ज्यादा होगी, जहाँ पे जंगल कम होगा वहां पे बरसात भी कम होने वाली है। तो जंगल का प्रमाण का भी डिसाइड करता है। पवन के बारे में बात करते हैं। पवन की दिशा, उनकी गति जलवायु को प्रभाव करता है। ठंडे प्रदेश में आने वाले पवन ठंडे होते हैं। अब आपको पता है, जो ठंडे प्रदेश में पवन आते हैं वो कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं, और वे जब गर्म प्रदेश पर चलते हैं तो वहां के तापमान में कमी आती है। अब जो ठंडे जो हवा है, ये ठंडी हवा है जो गर्म प्रदेश में चली तो वहां के तापमान में कमी आने वाली है। यदि आपके पास एक बकेट है, इसके अंदर आपने गर्म पानी भरा, यदि आप इसको, इसका टेम्परेचर मानता हूं 50 डिग्री, लेकिन आप इसमें ठंडा पानी डालोगे तो आपका तापमान घटेगा क्या बढ़ेगा, तो घटेगा, राइट। ठंडे प्रदेश में आने वाले पवन
पवन ठंडे होते हैं और ये वे जब गर्म प्रदेश पर चलते हैं तो वहां का तापमान में कमी होती है। गर्म प्रदेश पर से आने वाले पवन गर्म होते हैं और वे जब ठंडे प्रदेश पर चलते हैं तब वे तापमान में वृद्धि करते हैं। राइट, यदि आपका कोई ठंडा एटमोसफेयर है तो इसके अंदर गर्म पानी डालेंगे, यदि कोई ठंडी पानी की बॉटल है तो उसका तापमान हमारा क्या होता है, वृद्धि होती है। समुद्र की ओर में चलने वाले गर्म एवं नमी पवन वर्षा प्रदान करते हैं। जमीन विस्तार से चलने वाले शुष्क पवन के द्वारा वर्षा नहीं होती, जो जमीन पर चलते हैं उनकी बरसात नहीं होती, जबकि जो समुद्र से जो गर्म हवाएं आती है वो क्या होती है, बाष्पीभवन होकर आती है, इसलिए वहां से बरसात होती है। पर्वतों की दिशा एवं ढाल, पर्वतों की दिशा और ढाल के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। पर्वत पर सूर्य ताप की मात्रा कितने समय तक रहती है तथा उसकी ढाल पर दिशा कौन सी है इसके अनुसार, तो ये पर्वत की जो दिशा उसके ऊपर से भी हमारा ये बरसात जो जलवायु असर करती है। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अभी ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि इसके ऊपर से कई सारी चीजें होती है। ग्लोबल वार्मिंग होती है एक वैश्विक तापमान की वृद्धि होती है, यदि तापमान एटमोस्फेयर बहुत बढ़ने लग जाता है, जैसे हम बात करते हैं हम CO2 हम गाड़ियां चला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उच्च लेवल पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम मतलब पेट्रोल जला रहे हैं, तो पृथ्वी के आसपास स्थित वातावरण में पिछले कई वर्षों से तापमान में वृद्धि हो रही है। पहले हम देखते थे 40 डिग्री नॉर्मल रहता था, 45 डिग्री, डे बाय डे क्या गर्मी बढ़ती जा रही है। तापमान बढ़ने की इस प्रक्रिया को वैश्विक तापमान वृद्धि कहते हैं। सूर्य की किरण वातावरण से गुजरते हुए सीधे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, इस सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह से गर्म करती है, इसके बाद वातावरण को धीरे धीरे गर्म होता है। क्या होता है, जो सन की रेज आती है, सन की रेज सुबह 8 बजे आ जाएगी तो 8 बजे हमारा एटमोसफेयर गर्म हो जाता नहीं, लेकिन धीमे धीमे गर्म करती है। और सूर्य की, और इसका एक ये भी रीजन है कि जो ओजोन की जो परत है, ओजोन की जो परत है वो कहाँ पे, ओजोन की जो परत है वो समताप मंडल में है, और जो समताप मंडल है वो जो ओजोन की जो परत वो फटती जा रही है, उसकी वजह से सूर्य की जो प्रबैंगनी किरण वो भी थोड़ी बहुत आती जा रही है पृथ्वी पर, और उसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है। तब वातावरण निहित कार्बन डाइऑक्साइड लंबी तरंगों वाली इंफ्रारेड किरणों को शोषित कर लेती थी और पृथ्वी की तरफ पुनः परिवर्तित करती थी, परिणाम स्वरूप पृथ्वी और वातावरण गर्म होता जा रहा है, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा इस प्रकार का प्रभाव करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वायु के ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसके अलावा CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को ग्रीन हाउस के अन्य गैसें कहा जाता है। ये ग्रीन हाउस गैसें कौन, मीथेन है, ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब बात करते हैं हम वैश्विक तापमान वृद्धि के नियंत्रण करने क्या कर सकते हैं। नियंत्रण असीमभूत ईंधन का दहन भी कमी करा क्या, ऐसे दहन जिससे गर्मी पैदा होती है, ऐसा जो ईंधन है उसका हम उपयोग कम करें। ऊर्जा के स्रोत में स्वरूप प्राकृतिक वायु का उपयोग करें, कैसी वायु का उपयोग करें, प्राकृतिक वायु होनी चाहिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इन सबका हमें उपयोग करना चाहिए। वनीकरण प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए, जंगल पेड़ बढ़ाने चाहिए, तो इससे क्या हो सकता है, हमारा जो ग्रीन है ये जो वैश्विक तापमान वृद्धि है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम ऐसे ईंधन का उपयोग करें जो कि हमारे वातावरण के लिए अनुकूल हो, क्या हो, वातावरण के लिए अनुकूल हो, हमें जंगल को बढ़ोतरी करना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस का वातावरण में अधिक उत्सर्जन हो सकता है, ग्रीन हाउस गैसों का वातावरण में अधिक उत्सर्जन ना हो इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाए, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका उत्सर्जन ना हो हमारे वातावरण में उसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय महाविद्यालय इसके संदर्भ में हमें लोगों को जानकारी देनी चाहिए, लोगों को अवगत कराना चाहिए, हमें लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके लिए लोगों को हमें मोटिवेट करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। अब क्लाइमेट चेंज होता है क्या है, सुन लो, पृथ्वी की सतह पर वातावरण की रचना अद्भुत रूप से की गई है, वातावरण की यह रचना को स्थिर नहीं रहती है। वैज्ञानिक के अध्ययन के अनुसार प्री कैम्ब्रियन युग 60 करोड़ के वर्ष के पूर्व पृथ्वी की सतह पर अधिकांश भाग बर्फ से ढका था। ओ बापरे, आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व बर्फ से ढका था, लेकिन तापमान बढ़ता जा रहा है और बढ़ता बढ़ता क्या वो बर्फ का पूरा भाग पिघल गया और समुद्र बन गया, लगभग 14 डिग्री जितना आंका जाता था। पिछले 10,000 वर्ष की अवधि के जलवायु के काफी परिवर्तन गया है, लगभग 8,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर की जलवायु गर्म और नमी युक्त हुआ करती थी। सहारा के रेगिस्तान प्रदेश, अरब के रेगिस्तान प्रदेश, भारत पाकिस्तान के रेगिस्तान प्रदेश आदि हरे भरे क्षेत्र रहते, वापरे रेगिस्तान भी हरे भरे क्षेत्र रहते थे। ईशासन पूर्व 3000 से लेकर 1700 के आसपास शुष्क एवं गर्म जलवायु का कई अवस्थाएं के कारण क्षेत्र रेगिस्तान में बदल गए, क्या हो गया, क्षेत्र रेगिस्तान में बदल गए 3000 से लेकर 1700 BC पूर्व तक। ये जो 300 ये ईशासन पूर्व है और ये ईश्वासन है 1700। ईश्वासन 1845-1940 तक कई अवधि में पृथ्वी के विशेष रूप से उत्तर गोलार्ध की जलवायु को गर्म होती है, परंतु 1940 के बाद पृथ्वी का औसत तापमान में कमी हो रही है, 1940 के बाद तापमान में कमी हो रही है। ऐसी जलवायु को मानना संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े मैदान के दक्षिण भाग है, जैसे धूल का कटोरा के नाम से जाना जाता है, इतना सारा मैदान बनता जा रहा है, रेगिस्तान बनता जा रहा है,
1950 से लेकर 1966 के बीच में अवधि में इंग्लैंड ने फसल की ऋतु को समयकाल 9 से 10 दिन घटा गया है, 9 से 10 दिन घट गया है। सोचो समयकाल इतनी हालत खराब होने वाली है। तो ये जो सब है ये क्लाइमेट चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है, और आप लोग भी देख सकते हो बहुत भयंकर क्लाइमेट चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। इसकी कई सारी अवधि है, बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहा है, ये इसी के कारण है, इसी की सब वजह हो रही है। जलवायु परिवर्तन का अनुभूत परिणाम, वैश्विक तापमान वृद्धि के परिणाम स्वरूप हिम क्षेत्रों की सीमा घटने लगी। आप देख सकते हो पहले बर्फ ज्यादा फैली रहती थी, बर्फ घटने लगी। पृथ्वी की सतह से कुछ प्रदेश में वर्षा के अनियमित अनुभव देखा जा रहा है। वर्षा आज इरेगुलर हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा हो जाती है, कहीं बहुत कम होती है। जलवायु के पृथ्वी के कारण फसल की बुनाई और कटाई प्रभावित हो रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा जो किसान भाई है वो भी इससे जूझ रहा है, क्योंकि उसे अनियमित बरसात हो रही है। बेचारा फसल वो कब बोए उसे पता ही नहीं चल रहा। ओजोन वायु की सतह पतला होता जा रहा है, ओजोन का जो वायु वो फटता जा रहा है, और सूर्य की जो परावैंगनी किरण की मात्रा बढ़ने से कैंसर, त्वचा संबंधी कई मोतियाबिंदु अन्य रोग भी वृद्धि हो रही है, कई सारे रोग फैल रहे हैं। इस प्राकृतिक घटना को बाढ़, अकाल, चक्रवात, भूस्खलन, हिमप्रपात, घना कोहरा, आले ओले की वर्षा, ये सब अनियमित, ये सब किसका है, जलवायु परिवर्तन, जो जलवायु के अंदर परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से ये सारा देखने के लिए मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद होगी आपको ये पूरा चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 8 है, इसका नाम क्या मैंने आपको बड़ी डिटेल में पढ़ाया है, ये चैप्टर नंबर 8 है, वातावरण है, ये गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 11वीं आर्ट्स का, और ये नीरव सिंह राठौर के द्वारा आपको ये पढ़ाया गया, कृष्णा ग्रुप ट्यूशन, चांदखेड़ा, अहमदाबाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।